गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज मैं सोशियोलॉजी का फोर्थ चैप्टर का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आए, और जब तक कि आपने मेरे फर्स्ट या सेकेंड पार्ट नहीं देखे तो मेक श्योर आप वो भी देखें, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना किसी डिले के लेट गेट स्टार्टेड। सो हमारा आज का टॉपिक है, मैंने आज पढ़ा अतीत, और अब ये है हमारा समाजीकरण के मुख्य अभिकरण, यानी कि जो समाजीकरण में हमारी हेल्प करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले हमारा मेनली परिवार आएगा, फिर इसके बाद समकक्ष यानी कि समूह मित्र, यानी कि जो हमारे ग्रुप के जो मित्र, मतलब कि स्कूल के मित्र या फिर हमारे जो ग्रुप के होते हैं आस पड़ोस के लोग, वो आएंगे। विद्यालय, जन माध्यम, लोगों के द्वारा, या फिर अन्य समाजीकरण अभिकरण, यानी कि कुछ भी हो सक, मतलब कि इसमें अनजान कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो आएगा हमारे लास्ट पॉइंट में। सो अब हम इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनेक संस्थाओं या अभिकरणों का योगदान है। समाजीकरण के मुख्य अभिकरण इस प्रकार हैं। सो प्लीज़ गाइज, ये प्लीज़ हम याद करना, मतलब इसे लर्न कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि समाजीकरण क्या होते हैं, उसके अभिकरण क्या हो सकते हैं, किसके द्वारा हम समाज में और अच्छे से कनेक्ट होते हैं, या फिर कौन कौन हमें योगदान करते हैं समाज से जुड़ने में। तो सबसे पहले मेनली हमारा परिवार ही आएगा, ठीक है। समाजीकरण करने वाली संस्था या अभिकरण के रूप में परिवार का महत्व वास्तव में असाधारण है, ठीक है। बच्चा पहले परिवार में जन्म लेता है और इसी रूप में वह परिवार की सदस्यता ग्रहण करता है, ठीक है। इसी रूप से, मतलब कि जो भी परिवार के अकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ सीखता है, उसके व्यवहार व्यवहार, और सबसे पहले उसकी पहचान उसके घर से होती है, ठीक है। सदस्यता, ठीक है, ये बोला है। तो अब हमारा नेक्स्ट है समकक्ष या फिर समूह मंडल या फिर किरणी समूह। तो इसके अंदर जो आता है सेम ग्रुप या फिर बच्चों के जो लोग होते हैं, जो भी उनका ग्रुप होता है एज पर उसके लोग, वह आते हैं। जैसे कि बच्चों के मित्र हो जाएंगे इसके अंदर। बच्चों के मित्र या उनके साथी के साथ खेलने वाले समूह भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है होते हैं। इसी के कारण बच्चा के समाजीकरण की प्रक्रिया में एक अत्यधिक प्रभावशाली स्थान होता है, क्योंकि जब वो समूह बच्चों के जो समूह होते हैं वो उनके साथ खेलता है, खेलने वाले जो ग्रुप होते हैं वो एक प्राथमिक समूह कहलाता है, जिसके द्वारा बच्चा बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है। वो लोगों के मतलब कि खेल खेल में लोग बच्चे जो होते हैं बहुत कुछ सीख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो मित्रता यानी कि भाईचारा सीखते हैं, है ना। बहुत से बचपन में बहुत कुछ सिखाया जाता है, शेयरिंग इज केयरिंग, लोगों की हेल्प करो, लोगों की मदद करो। सो बच्चे को ये खेल खेल में सब कुछ सिखाया जाता है, और छोटे छोटे बच्चे जो ना एक दूसरे को भी नॉलेज देते हैं, पता है ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, तो वो ग्रुप में ही बात करते हैं, जिससे वो बहुत ही अच्छा प्रभावशाली स्थान प्राप्त कर लेते हैं सभी बच्चे। एक बच्चा दूसरे को बताएगा, दूसरा उसको बताएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्यालय। विद्यालय एक अनौपचारिक संगठन है, जिसके द्वारा बच्चा औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चे को सीखने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम भी दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले स्कूल बच्चे को एक सबसे पहले बहुत ही वो कर देता है, लेकिन पहले तो सबसे पहले बच्चा असभ्य होता है, वो वहाँ पर स्कूल जाता है तो वहाँ सभ्य बनता है, वहाँ बोलने की, बैठने की, उठने के मैनर सीखता है, और वहाँ पर उसके गुणों का भी विकास होता है, जो कि समाजीकरण के लिए बेहद ही ज़रूरी है। पढ़ाई के माध्यम से हम समाज से और अच्छे से जुड़ सकते हैं, हमारी जो सोचने की जो पावर होती है वो और अच्छे से शार्प अप होती है, जिसके द्वारा हम समाज को और अच्छे से समझ सकते हैं, और उसका हम अच्छे से कल्याण कर सकते हैं, उसका हम बहुत अच्छे से योगदान दे सकते हैं अपने द्वारा। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जन माध्यम, ठीक है। जन माध्यम में हमारा आएगा जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो जाएंगे हमारे, जिससे हमें सूचना प्राप्त होती है। जैसे कि जन माध्यम हमारे दैनिक का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, ठीक है। जन माध्यम हमारे एक दैनिक जीवन बोल सकते हैं, दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तथा मुद्रण का महत्व भी लगातार बना हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक यानी फ़ोन से, इंटरनेट से के द्वारा हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण यानी कि न्यूज़पेपर, बुक्स,
मैगजीन एक्सेट्रा के अलावा हम बहुत सी सारी जानकारियाँ उपलब्ध कर सकते हैं, जिससे द्वारा हम समाज के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, जिसका हम कहाँ पर समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। इसीलिए जन माध्यम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन माध्यम के द्वारा सूचना ज़्यादा लोकतांत्रिक ढंग से पहुँचाई जाती है, यानी कि जन माध्यम के द्वारा जो सूचनाएँ होती हैं वो हमारी लोकतांत्रिक है, यानी कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही भेजी जाती हैं, बहुत अच्छे ढंग से भेजी जाती हैं, जिससे लोग प्रभावित हों और अपना योगदान दें जहाँ पर उनकी ज़रूरत हो। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक है फाइनली अन्य समाजीकरण अभिकरण। कुछ और भी अभिकरण है जिसके द्वारा हम समाज में अच्छे से घुल मिलते हैं, हम समाज को और अच्छे से जान सकते हैं। जैसे कि सभी संस्कृतियों में कार्यस्थल एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, सभी कार्यस्थल होता है, एक स्थल होता है, एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया, जैसे कि धर्म संस्कृति के अकॉर्डिंग, मतलब कि हर किसी का धर्म अलग अलग होता है, जाति अलग अलग होती है, वर्ग अलग होता है, तो अगर उनमें डिफरेंसेस आएंगे तो उनके अंदर समाज के लिए अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग भावनाएं होंगी, अलग अलग योगदान करने की क्षमता होगी। इसलिए कहा गया है अन्य समाजीकरण अभिकरण भी होते हैं जो अधर्म, सामाजिक जाति यानी कि जाति या फिर वर्ग किसी पे भी आधारित होती है, और भी है, और भी पर आधारित होती है, इसको हम समाज में कैसे अपना योगदान दे सकें। बट सबका अलग अलग वो होगी, सोचने की पावर अलग अलग होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेक श्योर अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।